लगाओ ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ कोरमे उसकी सॉरी कोफ्तों की रेसिपी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिए गोश्त, गोश्त की बोटियाँ, कीमा नहीं है आप देख लें, तो मैं ना खुद घर में इसका कीमा बनाऊँगी। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी दिखाती हूँ मैं आपको। चॉपर ले ली, इसमें हम लोग डाल देंगे गोश्त अपना। तो मैं क्योंकि मेरा चॉपर छोटा है तो मैं ना 2 से 3 दफ़ा मैं डालूँगी। ये देखिए ये अच्छे तरीके से हो गया। आपने बिल्कुल इसको फाइन पीस लेना है, बिल्कुल बारीक जैसे आटा होता है इस तरीके से। और इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें पानी ज़रा भी, जब आप गोश्त को धो के रखेंगे तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, तो जो बाकी का गोश्त है उसका भी कीमा बना लेती हूँ। ये देखें कीमा हमारा हो गया सारा, ये कितने अच्छे तरीके से, ये देखिए मैंने कैसे ये बाइंड हो रहा है, ये मैंने अच्छे तरीके से ये कर लिया सारा। और ये मैंने थोड़ा चर्बी वाला कीमा लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ना इसमें ये जो बाकी चीज़ें डली वो डाल देते हैं। ये है प्याज और लहसुन, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल के। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चॉप हो गए। कीमा हो गया हमारा, मुझे कीमा लग रहा था ज़्यादा तो मैंने बीच में से उठा ली, मैंने कहा चलें वो वैसे ही बच्चों को बना दूंगी या देख लूँगी। और ये जो चर्बी मैंने डाली थी वो बीच में से निकाली। तो इसमें अब हम लोग डाल देंगे 2 टेबल स्पून ये ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट जो चॉप किया हुआ था वो हम लोग डाल देंगे। और ये हैं जी 1 टेबल स्पून चावल, ये वैसे तो इसमें खसखस डलती पर मेरे पास थी नहीं, तो उसकी जगह मैंने चावल 1 टेबल स्पून ले के भिगो के और उसको अच्छे तरीके से पीस लिया था। ठीक है, तो ये चले जाएंगे इसमें, और 1 अदद चला जाएगा इसमें अंडा। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं हम लोग। ये चला जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये 1 टेबल 1 टीस्पून जो है इसमें हम लोग डाल देंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, फिर और नमक जो है हसबे जायका आप डाल लें, आपकी मर्जी, आप जितना भी लेना चाहें। और 2 टेबल स्पून इसमें भुना हुआ हम लोग डाल देंगे बेसन का, और ये 1 स्लाइस हमने लिए ब्रेड का, इसको मैंने पानी में सोक कर लिए, तो पानी इसका निचोड़ के अच्छे तरीके से तो इसमें डाल देंगे। मैं भूल गई थी आप जब कीमा चॉपर में डालें तो उसके साथ डाल के तो इसको भी चॉप कर दें, ये बाइंडिंग का काम करेगी, इससे जो आपके कोफ्ते हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। से मैंने मिक्स कर ली, ये देख लेंगे ये, तो 1 प्लेट में आप या बाल में ले लें पानी, हाथ पे वो लगाएं ताकि वो स्टिक ना हो। तो अब इसके हम लोग बना लेंगे कोफ्ते बॉल, जिसकी बना लेंगे, ये देखिए ये पानी रखा मैंने, तो कोफ्ते आपकी मर्जी जिस साइज का आप बनाना चाहें कोफ्ता, छोटे बड़े वो आपकी मर्जी है। तो बनाते हैं, ये आप ख्याल रखिएगा कि इसके ऊपर किसी किस्म का क्रैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखें कि बन गया मेरा एक जो है ना कोफ्ता, तो मैं इसी तरह सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये कोफ्ते मेरे बन गए, इतने सारे बन गए, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं अब रख दूँगी फ्रीज़र में, और जब मुझे बनाने होंगे तो मैं निकाल के बना लूँगी। तो जी ये है नेक्स्ट डे, उठी थी बच्चों के स्कूल के लिए, तो वेदर मैंने आपको दिखा दिया बाहर का, बड़ा प्यारा स्काई लग रहा था, ब्राइट सा सही सुबह का टाइम था, बड़ा फ्रेश लग रहा था। तो मैं गई थी टेरेस पर, मैंने कहा चलें ये भी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों का लंच बनाया यहाँ पे, उनको लंच वगैरह दिया, स्कूल भेज दूँगी, और आज मैं भी खुश थी और आज बच्चे भी खुश थे क्योंकि बेटा मेरा बड़ा वाला आज वापस आ रहा है। तो छोटा बेटा भी बड़ा एक्साइटेड था, मैं भी, क्योंकि वो होता है घर में ना बड़ा, तो वो एक रौनक लगी रहती छोटे बहन भाइयों के साथ पंगा करेगा, तो बड़ा एक मतलब है घर में रौनक होती, तो वो नहीं थे 1 हफ्ते से।
तो बहुत अजीब सा लग रहा था, घर सुनसान सुनसान सा लग रहा था बहुत। तो यहाँ पे खैर बच्चे आ गए, फिर दिन को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं लेट की सो गई। तो बेटा आ गया था बड़ा, फिर उससे साथ में मेरा भांजा भी आ गया था। तो ये बच्चे आए स्कूल से, तो छोटा भाई मिल रहा है बड़े भाई से, उसको कैसे हाथ ये है सब्ज मिर्चे, सब्ज धनिया और पुदीना, इसको मैंने चॉप कर लिया था, चॉप करके अब ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको मैंने मशीन में से निकाल लिए मसाले सारे को, चॉपर में से निकाल के, तो मैंने कपड़े में। और ये हैं काली मिर्चें, काली मिर्चें इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, इसको भी अच्छे तरीके पाउडर बना लिया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ ये है अजवाइन। मैं ना शामी कबाबों में अजवाइन लाजमी डालती हूँ, तो ये है अजवाइन भाई। ये डाल के बाकी सबको डला हुआ, नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, मेरे टेस्ट की है पूरा नमक, मुझे तो पूरा लगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करें इसको, अब अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके बस इसके ना हम लोग जो इसका मोल्ड होता है सांचो, तो उसमें हम लोग इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, कबाब की शेप दे। अगर नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं ना फिर आपको सारे बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी बनाया था मैंने आज बीफ पुलाव, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको मैंने दे दिया खाना यहाँ पे, वो खाना खा रहे थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।